हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। करीब एक हफ्ते हो गए तो इधर कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। और मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक घरेलू नुस्खा लेकर के, जो कि बहुत ही कारगर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा, मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये नेचुरल है, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला और आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, चाहे वो स्पॉट्स हो, चाहे वो झाइयाँ हो, मुहासों के निशान हो, मतलब इस जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएंगी। साथ में अगर आपके फेस पे अगर ओपन पोर्स है तो उनके लिए रेमेडी बहुत ही अच्छी होने वाली है। जी हाँ, तो आज की मेरी जो रेमेडी है स्पेशली झाइयों के लिए ही है और बहुत ही अच्छी है। मैं इसे यूज़ कर रही थी तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला, तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ इसके। जी हाँ, इसके लिए आपको चाहिए टोमेटो। जी हाँ, जो आप सामने देख रहे हैं, मैंने इसे फ्रेश टोमेटो लिया है, इसे अभी कट किया है और आप मीडियम साइज टोमेटो भी ले सकते हैं। टोमेटो मैं स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे पोर्स को टाइट करता है। साथ में अगर आपकी स्किन पे अगर दाग धब्बे हो रखे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को नींबू सूट नहीं करता उनके लिए टोमेटो बहुत ही अच्छा होता है और इसमें स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो सेम इसी तरीके से आपको भी कट करना है, उसको एक बोल में लेना है, हमें इसका सिर्फ पल्प लेना है। तो हम इस तरीके से इसे ले लेंगे और इसके बाद हम जो दूसरी चीज़ इसमें लेंगे वो है मौसमी। जी हाँ, मैं यहाँ पे मौसमी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो संतरे या नींबू भी ले सकते हैं। मैंने मौसमी इसलिए लिया है क्योंकि मेरी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरी स्किन जैसे सेंसिटिव टू कॉम्बिनेशन स्किन, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जल्दी सूट नहीं करती। अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप उसको भी ले सकते हैं, या मौसमी बहुत ही अच्छी है। तो आप इसके भी हम इसी तरीके से इसके कुछ पार्ट लेंगे, कुछ ड्रॉप इसकी भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब उसे भी हम इस बोल में मिक्स करेंगे। क्वांटिटी हमें इक्वल रखनी है इसकी, जितना हमने इसमें अपना टोमेटो ऐड किया था सेम क्वांटिटी हम इसको ऐड करेंगे। आप इसे अगर अपने फेस पर डायरेक्टली भी अप्लाई करते हो तो भी ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, बस यही हो गया। अब मैं इसे आपको अपने हाथों पे लगा करके इसे दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको जो मिक्सचर दिखाया है उसे लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अपने हाथों पर लगा के बता रही हूँ। आपको इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो इसे हम इस तरीके से इसमें डिप करेंगे और इसे अपने सर्कुलर मोशन में अपने फेस की मसाज करेंगे ताकि हमारे फेस अच्छे तरीके से फैल जाए। इसे इस तरीके से हम लगा करके छोड़ देंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए ताकि पूरे तरीके से हमारे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद नॉर्मल पानी से हम इसे अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो मिक्सचर अपना लगाया था वो सूख गया है और मैंने अपने हाथों को धो लिया है। आप देख सकते हैं कि हाथ जो है मेरा साफ लग रहा है। अब एक बार के रिजल्ट में आपको एकदम बिल्कुल सफ़ेद तो लगने नहीं लगेगा, ये आपके जितने स्पॉट्स हैं बिल्कुल भी एक बार में तो खत्म हो नहीं हो जाएंगे। नेचुरल रेमेडी है, मैंने हमेशा कहा है, टाइम लेती है। तो अगर आप इसे रेगुलर एक हफ्ता अगर आप कम से कम लगा करके देखते हो तो आपके जो हाथों का जो चेहरे पे जितनी भी झाग दाग धब्बे झाइयाँ हैं वो सब स्टार्टिंग मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएंगी और एक हफ्ते में आपको अच्छा खासा विजिबल रिजल्ट दिखने लगेगा। तो आप इस रेमेडी को एक हफ्ता रेगुलर लगा करके देखिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको मेरे आज का ये नुस्खा पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।